आज मैं आपको अपना जो अचेतन मन है, अव्यक्त मन जो है या सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसके पावर को कैसे यूज करना, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे मन के दो भाग होते रहते, हमारे मन के दो भाग है, एक जो है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो 1.2 और सबकॉन्शियस माइंड है 9.2, मतलब 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड, 90% जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। और आपको समझाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा समुद्र में एक बर्फ की चट्टान रहती है तो उसका 10% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर रहता है और 90% हिस्सा जो रहता है वो है पानी के नीचे। तो पानी के ऊपर दिखने वाला जो है वो है कॉन्शियस माइंड और पानी के नीचे जो रहता है वो है सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा समझ लो। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें पूरा कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड ये लॉजिकल है, मतलब कौन सी चीज करना नहीं करना, वातावरण में ये संभव है नहीं है, और कॉन्शियस माइंड को अनेक इच्छाएं रहती है, अनेक विशेष है, नीड है, गरज है, वांट है कॉन्शियस माइंड को। और कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, मगर हमको पूरा कंट्रोल करने वाला, बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। जैसा हम काफी बार बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, मगर जो हो जाता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, गुस्सा आने के बाद में गुस्से आने वाला जिसको गुस्सा है वो आदमी बोलता है हाँ मेरी बहुत इच्छा थी, मेरी बहुत इच्छा भी है तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मगर क्या करूं वो वक्त आ गया ना तो मैं गुस्सा कर लेता हूं। तो होता क्या है कि गुस्सा नहीं करना ये इच्छा कॉन्शियस माइंड को रहती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर वो समय आ गया और एकदम रिएक्ट हो जाना जब होता है, ब्रेन जब रिएक्ट करता है, अनकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और फटाक से एकदम वो गुस्सा कर लेगा। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी बहुत इच्छा रहती है कि सुबह उठना और एक्सरसाइज करना या कहीं घूमने निकल जाना और मुझे मेरा वजन कम करना, इच्छा तो बहुत है, मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आखिर करने देगा नहीं यदि उसको वो हैबिट नहीं है तो, या उसकी इच्छा नहीं। तो कॉन्शियस माइंड चाहता है कि वजन कम होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि सिगरेट बंद करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। मतलब हमको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो भी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमने कंट्रोल में लाना, मतलब कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कैसे लाना? तो कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में, कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल में लाने के लिए 3 तरीके। जैसे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ हमने यदि कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई थॉट्स डाल दिए सबकॉन्शियस माइंड ने और वो वहां जाके पक्के बैठ गए तो सबकॉन्शियस माइंड फिर वो मुताबिक काम करता है। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड, समझो हमने पकड़ा कि एक मकान है, तो कॉन्शियस माइंड बाहर बैठा हुआ पहरेदार, पहरा देने वाला। अब किसको अंदर जाने देना और किसको अंदर जाने देने का नहीं, वो जो सिक्योरिटी पर्सन है पहरेदार वो देख रहा है। अभी कॉन्शियस माइंड को मतलब बाजू करके या कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, रैशनल थिंकिंग करता है, वो अंदर नहीं आने देगा थॉट्स को, तो फिर उसके लिए क्या करना है? कॉन्शियस माइंड को यदि हम बोल सके और कॉन्शियस माइंड ने यदि परमिट किया तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया, कोई भी चीज चली गई सबकॉन्शियस माइंड तक, तो फिर अपने बिहेवियर पे उसका असर आ जाएगा। तो फिर हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि भाई सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे भी करके पहुंचे, ताकि अल्टीमेटली वो कंट्रोल करता है। फिर अभी उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यदि कोई ऑथोरिटी वाला आदमी, जिसको ऑथोरिटी है, वो यदि आदमी कुछ बोलता है वो व्यक्ति को, तो व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि ऑथोरिटी वाला पर्सन जो बोलता है वो सीधा कॉन्शियस माइंड को बाजू में करके सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाता है। मेरा एक दोस्त मुझे मिला था, वो डॉक्टर नहीं है, वो कहीं कर्मचारी है, और वैसे
मैं अथॉरिटी हूं, मैं डॉक्टर हूं, ऐसे मुझे मिला, बोले गले में कुछ तुम्हें दर्द हो रहा है, वो रस्ते में मिला तो मैं मजाक मजाक में बोला देख कैंसर होगा, तपास करना पड़ेगा। वो कॉन्शियस माइंड को छेद करके वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया। वो इतना घबरा गया, दो दिन तक उसको नींद नहीं आई। बाद में मुझे बोल रहा था कि उस दिन आपने बोल दिया कि देखो कैंसर तो नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आई, मैंने सब टेस्ट करवा ली। मतलब जब अथॉरिटी बोलती है कोई तो वो कॉन्शियस माइंड को बाजू करके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि भाई जैसा हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ में रह के उनके विचार लेके उनके चरित्र पढ़ के उनके वीडियोस उनके बुक्स पढ़ के है ना, हमारे सीधा मतलब वो अथॉरिटी है सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते। तो एक वो हो गया। दूसरा, यदि हम बार 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 कोई चीज हैमर करते तो फिर कॉन्शियस माइंड वो हैमरिंग को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दे। बार बार यदि हैमरिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल समझो आप जा रहे हैं और हम तो हॉस्टल में काफी बार ऐसे मजाक करते रहते थे जब हम हॉस्टल में पढ़ा करते थे तो भाई कोई चार लोग मिलकर हम ये करते थे, तय करते थे कि एकाधे व्यक्ति को बीमार गिराना है और वो बीमार होना चाहिए। तो कोई वहां से आता है बोलते क्यों रे क्या हो गया, तेरा चेहरा उतर गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, पूछ लिया कि कुछ हुआ तो नहीं? तो नहीं कुछ तो नहीं हुआ। फिर दूसरा उसको व्यक्ति मिल जाता है, दूसरा दोस्त, बोलता अरे राजू तुझे क्या हो गया, नींद नहीं आई क्या, चेहरा क्यों लटका हुआ फिर रहा, क्या हुआ? तो कुछ तो नहीं हुआ। मगर उसको पहला इंस्ट्रक्शन सजेशन अंदर गया, दूसरा अंदर गया, फिर तीसरा उसको दोस्त मिलता है, वो भी उसको ऐसा कुछ पूछ लेता है तू खाना नहीं खाया क्या, क्या हुआ? उसको लगता है कुछ तो नहीं हुआ मगर ये लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ तो भी हुआ होगा। चौथा, वो उसको बोलने के पहले ही वो अपने कमरे में जाके सोता सो जाता था। मतलब हमारा माइंड ऐसा रहता है कि कॉन्शियस माइंड के बोलो पर यदि बार 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 हैमरिंग आपने किया तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते? इसका इस्तेमाल देखो, सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव बातें बहुत रहती है, निगेटिव बैगेज बहुत है। अभी यदि बार 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 हम विजुअलाइजेशन करके हैमरिंग करके बार 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 हम बोल के अफर्मेशंस करके यदि कोई चीज कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में डालता है तो उसका फर्क सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा। तो हमको हमारे में ही बदलाव लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? विजुअलाइजेशन के माध्यम से बार 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 कल्पना चित्र डालना सबकॉन्शियस माइंड, अफर्मेशंस के जरिए बार 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 सबकॉन्शियस माइंड में डालना ताकि उसका अच्छा असर सबकॉन्शियस माइंड में हो जाए। कुछ भी हमको बताने का है तो जैसा समझो सिगरेट छोड़ने के, तो यदि बार 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 वो अफर्मेशंस करता है विजुअलाइजेशन करता है तो वो निकल मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकता है। तीसरा जो है वो है सम्मोहन के माध्यम से, हिप्नोटिज्म के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें पहुंचाना या थॉट्स पहुंचाना या बिलीफ पहुंचाना। और हिप्नोटिज्म में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड को बाजू में किया जाता, रिलैक्स किया जाता और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं दी जाती, सजेशंस दी जाती है ताकि वो अफर्मेशंस जो है वो खुद ने देना है सेल्फ हिप्नोटिज्म में, या बाहर का जो हिप्नोटिस्ट है वो हिप्नोटाइज करके वो उसको बार 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 सजेशन देगा और सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच जाएगा। देखो ना हमारे एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट में ये होता है टीवी के कि बार 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 जब वो हैमरिंग करते रहते हैं तो इतने इतने बार हैमरिंग होता है, इतने बार वो जाहिरात बता देंगे तो हम जाके फिर वो चीज खरीद लेंगे। या देखो ना कोई भी पोस्टर्स है, वो इतने जगह पोस्टर लगाते हैं, काफी जगह पोस्टर लगाते हैं हमारे ऊपर दिमाग के ऊपर बार 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 हैमरिंग होते रहता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने भी वो चीज खरीदनी चाहिए या हमने वो काम करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें पहुंचाने के लिए एक तो लॉजिकल रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस टू द कॉन्शियस माइंड पहला चीज, नंबर दो बार 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 रिपीटेशंस, और नंबर तीन सम्मोहन उपचार मतलब हिप्नोटिज्म हिप्नोसिस करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि घर मतलब ये है सबकॉन्शियस माइंड, पहरेदार जो है वो है कॉन्शियस माइंड। तभी पहरेदार को हमको एक तो बातचीत करके लॉजिकल बात करके एक्सप्लेन करके उसको समझाना पड़ेगा कि हमको घर के अंदर जाने दो, एक तो वो चीज हो गई। नंबर दो बार 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 उसको अफर्मेशन या बार बार हैमरिंग करते रहते हैं
और उसको बोलेंगे तो फिर वो उनको अंदर आने का घर में, या तीसरा उसका मन जो है वो कहीं भटक के, मतलब उसको विचलित करते हैं, उसका मन विचलित करके वो इधर उधर निकल जाता है और फिर हम अंदर घर के जा सकते हैं, घर के अंदर हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, 90% ऑफ अवर टोटल माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड, तो वो इसका इस्तेमाल करके, अल्टीमेटली हमको कंट्रोल करने वाला कौन है, सबकॉन्शियस माइंड, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके, वापर करके हमारे जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई बीमारी है हमको तो वो खुद बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट करो। यूट्यूब में मेरे काफी सारे वीडियोज है, फेसबुक के मैं पेज के ऊपर हूँ, तो वहां लाइक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप मुझे फोन कर सकते हैं, ताकि ये लोगों को आप जब शेयर करेंगे ना तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और लोग भी अपना जीवन अच्छा बिता सकेंगे, वो भी उनका जीवन पावरफुली और एबली बिता सकेंगे। तो इसके लिए हम आपको बार बार जो अलग अलग वेबसाइट्स या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप इसका प्रचार और प्रसार करें और इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।